दोस्तों हमारा यूपी बिहार के लोग अभी बहुत पीछे हैं दूसरे राज्यों के प्रति, क्योंकि यूपी बिहार में अभी शिक्षा का बहुत कम है। हमारे बिहार के जो बहुत छोटे छोटे जो जिला है उसमें से बहुत कम शिक्षा है, और वहाँ के लोग जाकर बहुत दूसरे जगह, जैसे पशु ढोता है, जैसे बैल ढोता है, बैल भार ढोता है, उसी तरह दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, तभी तुम अपने कर्तव्य को समझ पाओगे, तुम अपने लक्ष्य को समझ पाओगे। जब तक अनपढ़ गंवार रहोगे, अशिक्षित रहोगे, तुमको लोग भुलिया कर समझा बुझा कर उल्टा पुल्टा काम कराते रहेगा, पशु बना कर रखेगा। इसीलिए ज़िंदगी में गरीबी को दूर करना है, अमीरी को बनना है, अमीर बनना है। इसके लिए अपने गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तभी आप अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को पूरा पूरा समझ पाओगे, बिना शिक्षित बने नहीं समझ पाओगे। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि जितना भी आदमी दो रोटी कम खाओ, लेकिन शिक्षा को जरूर ग्रहण करो। शिक्षा का, जब तक तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा, तुम दुनिया के कहीं किसी भी कोना में घूम कर चलाओगे, तुमको कोई माइक का लाल नहीं तुमको रेप लगा दे। क्योंकि जो आदमी शिक्षित होता है, अनपढ़ गंवार नहीं होता है, उसको बोलने चलने का सब ढंग होता है, जो किससे कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए शिक्षित होगे तभी सब बात जान पाओगे। जब तक अनपढ़ गंवार रहोगे, तुमको लोग फुद्दू समझेगा, फुद्दू बंद समझेगा, तुमको भुलिया देगा, तुमको फंसा कर रखेगा। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए हमारे यूपी बिहार के लोग अशिक्षित होने के बावजूद ही, अशिक्षित होने के कारण ही जाकर दूसरे जगह पर पूरा ज़िंदगी गंवा देते हैं। पशु को जैसे काम करते करते पूरा ज़िंदगी मालिक के पास ही बिता देते हैं, 10,000 20,000 के महीने पर। अब हमको बहुत दुख होता है दोस्तों, जब आप जाइएगा बाहर घूमिएगा, देखिएगा हमारे यूपी बिहार के लोग आँख मन के नाम देगा, यूपी बिहार, हाँ यूपी का है, बिहार का है, हाँ पूरा ज़िंदगी गंवा देते हैं काम करते करते। हमारे गांव का लोग भी जा रहे हैं, पूरा लोग जाता है बाहर, पूरा ज़िंदगी गंवा देता है। क्यों? अशिक्षा के कारण। शिक्षित नहीं है, मान लो उसको 10 रुपया 20 रुपया देकर फुसला कर उसे काम कराता रहता है, ये करो वो करो, पशु जैसा काम करता है, ज़िंदगी गंवा देता है, बाल बच्चा भी उसी तरह गंवा देता है। जैसे मान लो मैं गया बाहर, मैं अशिक्षित हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मालिक का काम करते करते 10 साल 20 साल 25 साल 10,000 12,000 का महीना पूरा ज़िंदगी गंवा देंगे। मेरा बाल बच्चा होगा, वो भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ, नहीं पढ़ेगा, वो भी पशु जैसे उसी में काम करेगा, काम करते करते पूरा ज़िंदगी हेल कर देगा, नरक कर देगा। हिज लाइफ इज विल बी डिस्ट्रॉय एज ए फ्लावर्स, एक फूल का जैसा उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक फूल निश्चित समय पर फूलता है और धूप के समय मुरझाकर गिर जाता है, उसी तरह हम गरीब का गरीब बनते जाते हैं, जो अमीर है अमीर बनता जा रहा है। इसीलिए इस ज़िंदगी में शिक्षित बनो, अपने अधिकार को समझो, शिक्षित बनो, अपने अधिकार को समझो, और तभी आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, इस तरह बनने वाले नहीं हो। शिक्षित बनोगे तभी अपने अधिकार को समझोगे, अच्छा और गलत का निर्णय लोगे। जब तक ज़िंदगी में तुम अच्छा बुरा का निर्णय नहीं लोगे, सक्सेस नहीं होगे। तुमको पता नहीं चलेगा कौन अच्छा है कौन खराब है, अच्छा बुरा का निर्णय तो वही लेगा जो सफल, जो सक्सेस होगा, जो आदमी शिक्षित होगा। अच्छा बुरा का निर्णय वही ना लेगा जो जिसके बारे में जानकारी होगा, जो जिसको पता ना जो अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो क्या जानता है जो क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम है। और वही जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, समझेगा कि हाँ एक काम अच्छा है एक काम खराब है। इसलिए ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए शिक्षित बनो, उसके बाद तुम एकदम सफल बन जाओगे। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा, तुम्हें कुर्सी मिलेगा बैठने के लिए, कुर्सी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी मिलेगा। आ इस तरह अनपढ़ का वहाँ रहोगे, बैठो 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 भुइया बैठ जाओ, जमीन पर लेट जाओ, पशु को जैसा लोग व्यवहार करेगा तुमसे, पशु को जैसा। जब रहोगे शिक्षित, तुमसे बात आदमी सोच समझ कर करेगा, तुम्हारे नाम के पीछे जी लेगा, सुजीत जी जो नाम के पीछे जी लेगा, फलना सर जी। और जब तक रहोगे अशिक्षित, ओ इधर आओ क्या कर रहा है। इसीलिए ज़िंदगी में शिक्षित बनोगे, शिक्षित बनोगे तभी सम्मान मिलेगा। ये दुनिया किसी को मान सम्मान देने वाली नहीं है,
जब तक तुम्हारे पास शिक्षा नहीं होगा, तुम्हारे बारे में लोग जानेगा नहीं, तुम्हारे कैपेसिटी को जानेगा नहीं, तो दुनिया में कोई मान सम्मान देने वाला नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब लोग भगवान का कमी निकालता है तो हम लोग तो इंसान हैं। इसलिए ज़िंदगी में सबको पीछे छोड़ दो, अच्छा कर्म करो, अपने बुरे कर्तव्य से डरो, इंसान से नहीं, अपने अच्छा काम से को करो, बुरे कर्तव्य से डरो, जो अपने को अच्छा लगे उसको करो, और जो तुम्हारे को लगेगा ये बुरा काम है उसको बुरा काम से डरो, उसको मत करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।